चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और मेरे चैनल कुक विद ममता बर्नवाल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं पालक पनीर की रेसिपी, जो कि एक बहुत ही फेमस रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए चलते हैं पालक पनीर रेसिपी को बनाने बहुत ही सरल तरीके से। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg पालक, जिसको कि मैंने क्लीन करके वॉश कर लिया है। ये मैंने 12 से 13 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, 4 हरी मिर्च, 1 teaspoon जीरा, 1 teaspoon हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप इसके जगह पे लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं नॉर्मल वाला, ये 1 teaspoon धनिया पाउडर है, ये 1 teaspoon जीरा पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर और ये हींग है। और ये 200 ग्राम पनीर है, जिसको कि मैंने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपने धुले हुए पालक को गर्म पानी में डालकर 2 मिनट तक उबालेंगे। इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी डाल दिया गर्म होने के लिए और इसको मैं कवर कर दे रही हूँ जिससे कि जल्दी गर्म हो जाए। तो अब पानी गर्म हो चुका है, हम अपने पालक को इसमें डालेंगे बॉयल होने के लिए। पालक को हमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, नहीं तो क्या होगा कि इसका जो पत्ते का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। मिनट हो गए फ्रेंड्स, तो हम अपने गैस को ऑफ कर देंगे और पालक को निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। मैंने एक बाउल में ठंडा पानी डाला है जिससे कि इसको डालने से इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और ये ज़्यादा पकने नहीं पाएगा। अब हम पालक को निकाल के ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और एक इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो पालक का पेस्ट रेडी हो चुका है, इसे हम एक बॉल में डालकर और इसे ढक देंगे और चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। इसके लिए मैंने गैस ऑन करके एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ गर्म होने के लिए। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा उसमें हम हींग और जीरा डालेंगे। तो हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हींग और जीरा डाल रहे हैं। ये जीरा डाल दिया, अब इनको फ्राई करेंगे। और जैसे ये फ्राई होते हैं हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां और हरी मिर्च, और मैं जिंजर 1 इंच जिंजर भी डाल रही हूँ इसमें, अदरक, मैं ये दिखाना आपको भूल गई थी। अब इन्हें भी फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे। ऑनियन को भी फ्राई करना है इतना कि मतलब इसका कलर जो है थोड़ा लाइट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें एक मीडियम साइज का टोमेटो कट करके डाल रहे हैं। आप चाहे तो ये टोमेटो स्किप भी कर सकते हैं, बिना टोमेटो के भी ये स्वादिष्ट लगता है। टोमेटो डालने के बाद टोमेटो को सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है इसे, उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे टोमेटो जो हैं पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। अब हमारे ये प्याज टमाटर ठंडे हो चुके हैं, तो हम इन्हें एक ग्राइंडर जार में डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे। प्याज टोमेटो का पेस्ट रेडी होने के बाद हम इसे पालक के पेस्ट में डालकर इसको मिक्स कर देंगे। आप एक बात ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जो ये आप पेस्ट बना रहे हैं, इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी जो है बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, मतलब पानी इसमें नहीं होना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो क्या होगा कुकिंग करते टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा छिटकता है और छिटक छिटक के पूरा ऊपर आता है।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पेस्ट की कंसिस्टेंसी कैसी है। आपको ऐसे ही पेस्ट की कंसिस्टेंसी रखनी है, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने गैस ऑन करके पैन बैठा दिया है और ऑयल डाल दिया इसमें गर्म होने के लिए, और इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, और ये जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर डाल दिया, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो नॉर्मल वाली लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे जिससे कि हमारे मसाले जो हैं जले नहीं, और इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इन्हें हम ओनली 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। हमारे मसाले फ्राई हो गए हैं, अब हम अपना प्यूरी डालेंगे उसमें, जो हमने पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे और इनको मिक्स करेंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। अभी 2 मिनट हो चुके हैं, हम लीड को हटाएंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसमें हम कुकिंग क्रीम डालेंगे 2 टेबल स्पून। आप इसके जगह पे काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कुकिंग क्रीम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट कुकिंग क्रीम डालने के बाद इसका कलर और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ जाता है, आप देख सकते हैं इसमें। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डाल देंगे, नमक, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है। इनको डालने के बाद इन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम पनीर डालेंगे। पनीर डालने के बाद हमें केयरफुली मिक्स करना है जिससे कि पनीर हमारे टूटे नहीं, और अगर आप चाहें तो इसे सैलो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो 2 मिनट हो गए फ्रेंड्स, अब हम लीड को हटाएंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बहुत ही सावधानी से मिक्स करना है इसे, नहीं तो ये पनीर टूट सकते हैं। और इस तरह से हमारा पालक पनीर रेडी हो चुका है। तो इसे हम एक सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। तो इसे मैं एक सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका कलर कितना अच्छा आया है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, डिलीशियस दिख रहा है ये पालक पनीर, आप देख सकते हैं। देखते हैं, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। तो आप पालक पनीर को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसके ऊपर से कुकिंग क्रीम भी डालकर सर्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप इसके ऊपर से डाल देंगे तो डिज़ाइन की तरह बन जाएगा और देखने में और भी डिलीशियस लगेगी। तो जब आपके घर में कोई गेस्ट या मेहमान आए तो आप उनको इस तरह से करके सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को ज़रूर से एक लाइक दें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और अपने कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।